फैट है, जो गंदी वाटर रिटेंशन है, वो जब बॉडी से निकले तो आपका मसल हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मसल्स ऑन व्हील्स। सो गाइस, जैसे कि आपने नीचे पढ़ ही लिया है, सो ये वीडियो होने वाली है एक ड्रग के ऊपर, एक स्टेरॉइड के ऊपर। एक ड्रग है, मेडिकल भी बहुत यूज़ होता है, बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन एनन्थिएट। और टेस्टोस्टेरोन एनन्थिएट में मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊँगा ये क्या करता है बॉडी के अंदर, ये मेडिकली किस चीज़ में यूज़ होता है, बॉडी बिल्डिंग में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा कॉमन ड्रग है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक ड्रग है। बेसिक तो खैर मैं नहीं कहूँगा, डेंजरस भी बहुत है। सबसे पहली साइकिल भी इसी की चीज़ की चलती है। अगर आप गेनिंग कर रहे हो या आपको गेन करना है या आपको मसल बढ़ाना है, सबसे पहले साइकिल भी इसी चीज़ की चलती है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किस किस ब्रांड के आते हैं। बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, एल ए अल्फ़ा वगैरह, एल ए हो गया, अल्फ़ा हो गया, थाइगर हो गया, सिंथेटिक हो गया, और मॉलिक्यूल हो गया, और डेस्मा हो गया, बथेरी सारी कंपनी के आते हैं। तो ये अभी मेरे पास है एल ए फार्मा का। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिकती है उसकी कॉपी भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो जितने भी ब्रांड्स हैं ना, एल ए हो गया, थाइगर हो गया, मेडटेक हो गया, मेडटेक की तो बहुत ज़्यादा कॉपी आती है, एल ए की बहुत ज़्यादा कॉपी आती है। सो बी श्योर आप ओरिजिनल लें। मैं आपको पहले पहचान देता हूँ अल्फ़ा का है ये ओरिजिनल कैसे पता लगता है। एक तो ये आपके साइड ये जो है बारकोड से, पैकिंग भी सेम होती है, अंदर सब कुछ सेम होता है, आप बारकोड से पहचान सकते हैं। आप बारकोड इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इसको स्क्रैच करके। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऐसे वाइल्स होते हैं छोटी छोटी, सिंगल में भी आता है, जैसे ये वाइल है, ठीक है। अब इस पर लिखा हुआ है, ऐसे जो नकली होती है ना उस पर लगी होती है चेपी, मतलब एक पॉलीथीन होता है उस पर ऐसे वो लगी होती है, उस पर लिखा होता है, पर ये प्रिंटेड है बॉटल के ऊपर ही, स्क्रैच करोगे निकलेगा नहीं। जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है वैसे है, जैसे जैसे उसको स्क्रैच करोगे निकलेगा नहीं, ये बॉटल के ऊपर प्रिंटेड है। और नकली के ऊपर टेप सी लगी होती है, और ऐसे गाड़ी प्रिंटेड नहीं होती, वो मिट जाती है, इसमें भी दो तीन कॉपियाँ आती हैं। सो ये ओरिजिनल की पहचान होती है। दूसरा ब्रांड मैं आपको बता देता हूँ, वो है एल ए का। एल ए का, एल ए के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, अल्फा फार्मा के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। सो ये रहा एल ए का, टेस्ट विड्रॉन करके आता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी इसके बार कोड अंदर होता है, इसको खोलना पड़ता है, इसकी पैकिंग भी अच्छी है और खोलने में थोड़ा टाइम लगा देती है। खुल जा भाई, ओ भाई साहब, तो इसके अंदर आता है। सो ये रहा, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, इसका बारकोड, इसका बारकोड हमेशा कैपिटल फॉर्म में होगा। अगर आपको दिखे कैपिटल और छोटे अक्षर, फिर कैपिटल फिर छोटे अक्षर, वो समझ लो नकली है। इसका सारा वो होगा कैपिटल में, ठीक है। और जो दूसरा आता है वो नकली आता है, और वो आपको शाइनिंग देख के भी पता लग जाएगा। तो ये भी टेस्टोस्टेरोन है एनन्थिएट, पूरा सील पैक है। सो मैं आपको बता देता हूँ इसके ये करता क्या है। सो इस एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड है ये, इसकी क्लास है। अबे ब्लर हो गया भाई, ब्लर कर दिया मेरे फ़ोन ने। सो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड है ये। सो बहुत कॉमन यूज़ होती है ये गेनिंग में और बल्किंग में, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। बहुत लोगों की पहली साइकिल यही होती है। सो इसकी एक्टिव लाइफ 8 दिन की रहती है। बहुत लोगों को, कुछ लोग होते हैं मतलब जो बेवकूफ़ होते हैं, जो कहते हैं जब आप स्टीरॉइड ले रहे हो तो आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पता लगेगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ लोग हैं, थोड़ा पढ़ लो। ये आप स्टीरॉइड ले रहे हो, इसकी एक्टिव लाइफ 8 दिन की है। आप वॉश आउट करोगे 30-35 दिन का, सारा क्लीन हो जाता है, आपकी बॉडी में कोई ट्रेस नहीं कर सकता कि स्टीरॉइड है। 3 महीने के अंदर सारा पूरा साफ हो जाता, कोई बॉडी के अंदर नहीं रहता है। उसकी एक्टिव लाइफ 8 घंटे की है, ठीक है। तो उसकी एक्टिव लाइफ 8 घंटे की है। उसमें साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, इसके पहले इफेक्ट्स बता देता हूँ आपको। सो ये गेनिंग के लिए यूज़ होता है, आपका मसल साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है,
और आपका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए यूज़ होता है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, और मसल मेच्योर करने में यूज़ होता है, मसल को थोड़ा ग्रो करने में यूज़ होता है। ज़्यादातर इसका मेन काम मसल ग्रो करना है, डेवलप करना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेन की है आपका मसल ग्रोथ में, आपकी आपको हर चीज़ में प्रमोट करता है, आपके स्ट्रेंथ गेन करता है, आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, तो इसके मेन फ़ायदे यही हैं। तो उसके नुकसान क्या है, ये हाईली वाटर रिटेंशन है, सो कुछ लोगों को असर करता है वाटर रिटेंशन, कुछ ज़्यादा ही दे देता है, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा नहीं देता, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो टेस्टोस्टेरोन में भी ऐसा होता है, एक एनन्थेट और साइपोनेट आता है, तो दोनों सेम एस्टर है, वैसे आते तो बहुत सारे, सस्पेंशन आता है, सस्टोनॉन आता है, प्रोपोनेट आता है, सो जो एनन्थेट और साइपोनेट है दोनों सिमिलर ही हैं, मगर जो एनन्थेट होता है वो मोस्टली हर सारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, पर कोई कोई बॉडी जो अडेप्ट नहीं कर पाती है एनन्थेट, वो साइपोनेट ले सकते हैं, तो वो साइपोनेट अडेप्ट कर लेते हैं आपकी बॉडी। सो दोनों के एस्टर सेम है, दोनों का काम सेम है, साइपोनेट और एनन्थेट, बाकी क्यों मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, बट एनन्थेट और साइपोनेट का काम दोनों का मोस्टली सेम है, दोनों एक जैसे हैं, सारी इनकी केमिकल चेन एक जैसी लगती हैं और इनका काम भी एक जैसी है। सो एनन्थेट हो गया आपका, और ये एनन्थेट जो साइपोनेट और ये डीएसटी कन्वर्ट करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको डीएसटी में बना देते हैं, तो डीएसटी करके आपके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपको हेयर लॉस होता है, कोई स्टीरॉयड गंदी नहीं होती, वो आपकी बॉडी होता है, आप उस बॉडी में स्टीरॉयड लेने के लिए तैयार नहीं होते, आप पहले ले लेते हो, आपकी एज नहीं होती, तभी आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है, तभी हेयर लॉस होता है, एक्ने हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं पीठ पे, मुंह पे, छाती पे, हाथों पे, और आपको बीमार बीमार लगता है, आपको वीकनेस लगती है थोड़ी थोड़ी, तो सारे साइड इफेक्ट होते हैं, हेयर लॉस, आपकी वॉइस हैवी हो जाती है, और ये एचपीटी उसको भी वो कर देता है, स्लो कर देता है, जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको भी सप्रेस करता है, उसको उसका वो इसका वो काम भी बंद कर देता है। जब आप इस साइकिल पे होते हो तो आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता, सो आप इसी पे ही ग्रो कर रहे होते हो, जो आप आर्टिफिशियल बाहर से ले रहे होते हो, ठीक है। और इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा क्या करता है, और ये एस्ट्रोजन भी बनाता है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में, जैसे उसमें चेस्ट में गायनो हो जाता है, तो निप्पल के नीचे यहाँ गांठें बन जाती हैं, सो इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। और गुस्सा आना, अग्रेशन करना, चिड़चिड़े हो जाना, ये तो डीएसटी कन्वर्ट होता है तभी होता है, बाकी एस्ट्रोजन हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, चेस्ट में दिक्कत हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाती है। तो इसकी साइकिल मेन होती है 3 महीने की, और इसकी डोजेज होती है वीकली, प्रो बॉडी बिल्डर जो इसको 1000-1000 mg तक यूज़ कर लेते हैं, पर जो बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो 200 mg से 400 mg तक ले सकते हैं वीक में, या आप 200-250 भी लें एक वीक में तो वो भी बहुत है स्टार्टिंग के लिए। प्रो बॉडी बिल्डर इसको 1000-1500-1200 तक ले जाते हैं वीकली, क्योंकि वो प्रो बॉडी बिल्डर हैं, उनका अलग ही हिसाब किताब चलता है, उनकी डाइट भी हैवी चलती है, उसका डाइट भी आपको अच्छी लेनी पड़ती है। तो डीएसटी का जो उसको इफेक्ट्स को कम करने के लिए मैं आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ, एचपीटी उसका तो होगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन सप्रेस तो होगा ही होगा। डीएसटी को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सैलेड खाओ, आप टमाटर खाओ, टमाटर में टमाटोज में ऐसे कुछ विटामिन होते हैं जो उसको ब्लॉक कर देती है, उसको डीएसटी की ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है, आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं रहता, उसको डीएसटी में कन्वर्ट नहीं करती। काजू खाओ, काजू नहीं, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, ये सारा भी उसको कम करता है, सप्रेस करता है। और आप अच्छा हैवी लिफ्टिंग करो, आप खुश मूड में रहो, वो भी उसको सप्रेस करता है। सो खाने में तो यही चीज़ें हैं, आलमंड मिल्क भी ले, आलमंड भी ले सकते हो आप, उससे भी डीएसटी कन्वर्ट नहीं होता, आपके हेयर भी अच्छे रहते हैं, विटामिन बी से भी आपके हेयर अच्छे रहते हैं, आपको डीएसटी कन्वर्ट नहीं होता। पर एस्ट्रोजन तक जब बात रही, जब आप एनन्थेट चला रहे हो, आपकी साइकिल चल रही है, तो आप साइकिल के साथ ही पहले हफ्ते के दूसरे हफ्ते जब आपका स्टार्ट होगा, मंडे स्टार्ट होगा या संडे स्टार्ट होगा, जो भी आप का वीकली है, तो उसमें आप एक प्रोविनोरम टैबलेट डालो और एक नॉर्मलेक्स टैबलेट डालो, ताकि मैसेजेस, तो आप अगर ये दोनों टैबलेट डालोगे इसके साथ, तो आपका टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको गाइनो नहीं होगा, आपके चेस्ट के नीचे गांठ नहीं आएगी, अब आपकी आवाज़ें भारी नहीं होंगी, आप एकदम फिट रहेंगे। 20 mcg ले सकते, 20 mg आती है टमेक्सोफिन या नॉर्मलेक्स नाम से आएगी, वो ले लो, या प्रोविनोरम आती है वो भी 20 या 50 mg की आती है, वो भी आप एक टैबलेट ले लो आप सुबह उठ के। और इस इंजेक्शन को सही टाइम लगाने का भी कोई नहीं है, कि कोई बोलता सुबह लगाओ, कोई बोलता रात को लगाओ, कोई बोलता दिल में लगाओ। मेरे हिसाब से अगर आप सुबह लगा सकते हो तो सुबह लगाओ, अगर आप रात को सोने से पहले लगा सकते हो, एक दो ढाई घंटे पहले, तो आप तब लगाओ, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर जब मैं लेता था तो मैं इसको सुबह सुबह लगवाता था, जब सुबह नहीं लगवा पाता था, मिस हो जाता था, मेरे डॉक्टर नहीं आया होता था, तो मैं
इसको रात को सोने से पहले लगवा लेता था, रात में रात को 10 बजे ज़्यादा लगवाता था, थोड़ा अपना डाइट ली, फिर चिकन विकन खाया, मैं सो गया। सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो यही हैं, आप गायनों के लिए आप ये कर सकते हो, प्रोबिनोरम इसके साथ चला सकते हो जब तक ये एंड कर रही है, और सबसे बढ़िया जब आपकी साइकिल ख़त्म हो जाएगी 3 महीने की, आपकी 4 महीने की, जो भी आपका ट्रेनर ने प्लान करी है इसकी साइकिल, जब वो साइकिल ख़त्म हो जाएगी, सो साइकिल की पोस्ट साइकिल थेरी में आपको क्लेनबुटरॉल चलानी है 40 mcg, उसके साथ टॉरिन लेना है, ताकि जो आपका जो गंदा फैट है, जो गंदी वाटर टेंशन है, वो जब बॉडी से निकले तो आपका मसल ना लेके जाए। क्लेनबुटरॉल आपके मसल को स्टिफ रखेगा, बरकरार रखेगा, आपके गेंस को ख़राब नहीं होने देगा, जो आपने 3 महीने इतनी मेहनत करके खा पी के बनाई है, इतनी डेडिकेशन के साथ बनाई है। क्लेनबुटरॉल और टॉरिन ले लेना, टॉरिन क्लेनबुटरॉल को सपोर्ट करता है, तो क्लेनबुटरॉल के जो थोड़े बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर देता है, आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। सो टॉरिन और क्लेनबुटरॉल इसकी पोस्ट साइकिल में ज़रूर डालना, पोस्ट साइकिल में आप HCG ज़रूर लेना और क्लोमिड 50 mcg, स्टार्टिंग में 100, बाद आप नीचे की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने PCT के बारे में सारा कुछ बता रखा है, बाकी टेस्ट एनथेट तो बहुत इसके बारे में सब बता दिया, ताकि DST से कैसे बच सकते हो आप, एस्ट्रोजन से कैसे बच सकते हो, HPTA से आप नहीं बच सकते, वो टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होगा, जब आप HCG लोगे वो 15-20-30 दिन में वो आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप चेक कराओ कितना आ रहा है आपका, 300, 400, 500, 600, बढ़िया होता है। सो यही वीडियो में था, और कुछ है नहीं बताने लायक इसमें, बाकी नकली वकली का तो मैंने बता दिया, बी श्योर 99% सामान नकली आ रहा है, मेरे को भी कई बार नकली मिल जाता है, तो मैं दूध देता हूँ जो मेरे को नकली पकड़ा रहा होता है, तो हमें तो पहचान हो जाती है देख के नकली सामान की, पर आपको नहीं हो पाती। मैंने ये तो कुछ बता दिए हैं, ये LA के हैं और अल्फ़ा के हैं, बाकी मेडिटेक का भी मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो में किसी का, और जो दूसरी ब्रांड्स हैं उसका भी मैं बता दूंगा कि नकली कैसे वो करते हैं। टैबलेट्स भी नकली आती हैं सारी, एंड्रोलिक, डेनाबॉल, अनावर, स्टेनाजॉल, जो भी आती हैं सारी, बहुत सारी सुपरड्रॉल बहुत नकली आती हैं, तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता लगाते हैं कि नकली है असली है। तो चलो वीडियो क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा किसी चीज़ के बारे में, कमेंट कर दो जिसके बारे में आपको पूछना है, मैं बता दूंगा। वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल सब्सक्राइब करके चले जाओ। बाय।